होमगार्ड के जवानों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। होमगार्ड के जवानों ने इस सिलसिले में कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया और अपनी बात रखी। आम लोगों की सेवा में दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहने वाले इंदौर में होमगार्ड के जवानों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इन जवानों को कई तरह की घरेलू परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इन्हीं परेशानियों के चलते होमगार्ड के जवान कलेक्टर ऑफिस की जनसुनवाई में पहुंचे। सर, बस यही चाहते हैं हम कि टाइम पे हमारा वेतन आए, ताकि हमारे बच्चों की फीस भर सके। हम बाहर पैसा ले नहीं पा रहे, क्योंकि 10% में हम ब्याज में पैसा लेने की हमारी स्थिति नहीं है, तो टाइम पे हमारा वेतन निकाला जाए, हम यही चाहते हैं। जवानों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, हर महीने उन्हें देर से वेतन दिया जाता है। करीब 500 जवानों को पिछले 3 से 4 महीने से वेतन ही नहीं मिला है। सर, हम लोग अगले 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोगों को समय पे वेतन नहीं मिल पाता है, प्लस जब भी वेतन की बारी आती है, हमेशा 10-15 तारीख के पहले कभी वेतन नहीं दिया जाता। इसके पहले भी हम लोगों ने मिले हैं कलेक्टर साहब से, और आज फिर हम लोग मिले हैं। हम लोगों के यहाँ बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। अब सारी समस्याएं हैं कि हम लोग अब क्या करें। 4 से 5 महीने हो गए हैं सर अभी तक। जिम्मेदार सर हमारे कमांडेंट साहब है, इससे जिम्मेदार सर हमारे कम से कम 550 जवान हैं। कुल मिलाकर अब होमगार्ड के जवान भी वेतन की समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कलेक्टर ऑफिस में गुहार लगाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।